अपने जैसा है उपस्थित छे जै अवस्था में उपस्थित छे तै लेल जै स्तर लोग ए सभागार में उपस्थित छै हुनका किछ कहक करता नै छे मुदा हम अहि सब बने रहब से हमरा पूछना जाइया आ हम चले छी लोकार्पण तेसर खंड आ तै में पहिल पोथी अछि स्वयंवर स्वयंवर जगह लोकार्पण करता हथिन श्री शंभु सौरभ जी भाई वीरेंद्र यादव जी और अगला पंचवटी के टांगी लोकार्पण श्री राजदेव मंडल कॉम्प्रोमाइज नाटक लोकार्पण श्री राम प्रवेश मंडल बिहेन कथाकार झमेलिया पिया लोकार्पण श्री वीरेंद्र यादव हमर टूर उपन्यास उपन्यासकार श्री राजदेव मंडल लोकार्पण श्री हेम नारायण साह जीवन संघर्ष उपन्यास दोसर संस्करण उपन्यासकार श्री जगदीश प्रसाद मंडल लोकार्पण श्री नारायण यादव बड़की बहिन उपन्यास उपन्यासकार श्री जगदीश प्रसाद मंडल लोकार्पण श्री शारदानंद सिंह कवि श्री शारदानंद सिंह जीवन मरण दोसर संस्करण उपन्यास उपन्यासकार श्री जगदीश प्रसाद मंडल लोकार्पण श्री गोपाल कुमार नई धारैया जीवन भर श्री गोपाल कुमार जी जो हमरा सबके बीच नहीं छे डाक बाबू हमरा बुझाना जाए छे जो छे निश्चित रूप से अपना समाज अपना संस्कृति अपना एहिठाम व्यवहार के संरक्षण करे आगू आबि जाए नई धारैया के बाल उपन्यासक लोकार्पण श्री भ्रमर जी सविनम्र आग्रह जे नई धारैय बाल उपन्यासक लोकार्पण ए लोकार्पणक अंतिम पहर में आए संदिए सहस्त्र बार हैं अब एक बार हम जय पोथी का नाम लेव जा रहा छी तै लेल ध्यान आकृष्ट करो जे मैथिली साहित्य के हो एकटा पहिल पोथी छे जकर लोकार्पण मनोज कुमार राम करथिन शिक्षक मनोज कुमार राम ई ब्रेल लिपि पहिल पोथी छे ब्रेल लिपि में लिखल मैथिली पहिल पोथी छी जकर उपन्यासकार छथिन गजेंद्र ठाकुर आ अगला पोथी हमरा सबके बीच में अछि जीवनी जहिना साहित्य सब विधा पोथी आय एहि सभागार में लोकार्पित भ रहल अछि तहिना एहि ओहि क्रम में जीवनी जे अखन तक नहि भेल छल जकर नाम पोथी के नाम छी एकटा बायोग्राफी जे श्री जगदीश प्रसाद मंडल जी जीवनी छै एकर बायोग्राफर छथिन श्री गजेंद्र ठाकुर जकर लोकार्पण है श्री उमेश पासवान जी घाटे छन प्रभा प्रबंध निबंध समालोचना श्री शिव कुमार झा जमशेदपुर में छे हर पोथी लोकार्पण करते श्री अशोक शाह जी कार्यरत दौर में छे और एक क्रम के बनबैत हम आग्रह करे छी श्री राजा राम यादव जी हमरा सबके बीच छथि छन प्रभा नामक पोथीक लोकार्पण ले मध्य प्रदेशक यात्रा लोकार्पण सत्रक अंतिम पोथी मध्य प्रदेशक यात्रा जकर लेखिका छथिन ज्योति झा चौधरी अमेरिका में छथि आ ओ पोथीक लोकार्पण है श्री नंद विलास राय कथाकार श्री नंद विलास राय
मध्य प्रदेशक यात्रा या यात्रा साहित्य ज्योति झा चौधरी नंद विलास रहे हम सब लोकार्पण सब पर अंतिम खंड में अंतिम क्षण में प्रवेश कर चुका छी। जरा ताली बजबे हम सब विराम करी और आगे बढ़ी और आगे के क्रम में जो हमारा गार्जन जे छे विधायक जी हुनकर सेहो मन छे त निश्चित रूप से हम सब सम्मानक दौर में चली और क्रम रहते हुए दू शब्द तो माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी इस कथा मिलन अंतिम सदाय समारोह में उपस्थित लौखा विधानसभा के माननीय युवा नेता विधायक श्री सतीश शाह जी स्वर्गीय हरि प्रसाद शाह महाविद्यालय के प्रचार महोदय साहित्य मैथिली साहित्य अकादमी के सदस्य डॉक्टर अशोक विकर जी साहित्यकार जगदीश मंडल जी आयोजक उमेश मंडल जी और निर्मली के कोने कोने से आए हुए मैथिली साहित्य के प्रेमी साथियों मैं सभी मैथिली साहित्य प्रेमियों का अभिभाषण सुन रहा था। उनकी अभिव्यक्ति सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मैथिली में क्योंकि ना मैं लिख सकता हूँ न सही ढंग से बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ सब बातें मुझे समझ में आ रही। तो बताइए इस भाषा का जो मैं लिख नहीं सकता हूँ बोल नहीं सकता हूँ सिर्फ मैं समझ रहा हूँ तो किस शिक्षा के श्रेणी में रखा जाए डॉक्टर रामसी साहब जो हमारे प्रोफेसर साहब है वही बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मैं अनपढ़ हूँ एक लिटरेट अशिक्षित व्यक्ति मैथिली में, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। फिर भी मुझे माइक दे दिया गया है उमेश मंडल जी मैथिली के इतने बड़े रुचि रखने वाले, मैथिली साहित्य में उनकी एक पकड़ है, एक साहित्यकार के पुत्र हैं। नहीं होते रहती है ठीक है चलते रखते जाइए रखते। तो मैथिली साहित्यकार श्री जगदीश मंडल जी के पुत्र हैं, उनके सानिध्य में उनको बहुत सीखने को मौका मिला है और उन्होंने जो सीखा है आज इस आयोजन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की है और हम लोग महसूस करते हैं कि मैथिली सचमुच में एक बहुत ही विकसित प्रौढ़ भाषा है जिसको अटल बिहारी जी की सरकार ने स्वीकार की और आठवीं अनुसूची में संविधान की आठवीं अनुसूची में जगह आप चले जाइए विदेशों में वहां क्षेत्रीय भाषाओं का इतना सम्मान दिया जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं पर अनुसंधान किया जाता है और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए हर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सभी हमारे देश में सभी क्षेत्रीय भाषा अपने जो क्षेत्रीय भाषा प्रेमी हैं या बोलने वाले हैं उन्हीं के प्रयास पर छोड़ दिया जाता है और उनके प्रयास का ही जो भी प्रतिफल होता है वो हमारे सामने होता है। इस निर्मली छोटे शहर में निर्मली शहर के सबसे ऐतिहासिक निर्मल बाबा की नगरी में जब हम लोग अपने आप को पाते हैं और यहाँ जो मैथिली प्रेमी
से कभी कभी हमारे विचार विचार विमर्श इंटरेक्शन होते हैं तो लगता है सचमुच में विद्यापति मैथिली की जब हम लोग बाहर वाले जो मैथिली से बहुत ताल्लुकात नहीं रखते हैं बचपन से सिर्फ विद्यापति का नाम लेने पर हमारे विद्यापति बहुत सारे क्योंकि सिर्फ मैथिली से ही उनको कन्फाइन नहीं किया जाना चाहिए लेकिन हम लोग विद्यापति की कविताएं इंटर में पढ़ी है जिसमें आप लोग भी जानते होंगे होंगे कि छाड़ इतने निकट नयन भर मीरे बड़े सुख सार भावों को दिए इस तरह की चीजें विद्यापति जी ने अपने साहित्य में स्पर्श किया था इस तथ्य को फुट करके जब मैं रेणी पाटियर मंडल में गया तो वहां लोगों ने कहा कि कालिदास नहीं कालिदास मार के चले गए मध्य प्रदेश उनको कोई कोर हो गया था लोगों ने मार भगा दिया या अपने सर्व से समाज को छोड़कर चले गए लेकिन उनका ओरिजिनल मूल स्थान एक साहित्य में उनको निकली है जो अरबिया संग्राम के साहित्यकार उन्होंने लिखा सोचिए साहित्य आकाश में शीर्षस्थ स्थान पाने वाले संस्कृत साहित्य में कालिदास उनके अद्भुत रचना आप पढ़िए मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ मुझे लगता है कि मेघदूतम और अज्ञान शकुंतलम साहित्य की संपूर्णता उसने देखी है जो हमारे मिथिलांचल की मिट्टी का एक सबूत अपने लेखनी से अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से एक ऐतिहासिक साहित्य छोड़कर चला गया और आज हम लोग उसका रुझान कर रहे हैं विद्यापति न जाने आप लोग जानते होंगे कितने सरीखे साहित्यकार मैथिली के इस मिथिलांचल को आगे बढ़ाने में पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है निभा रहे हैं आज देखने को मिल रहा है जगदीश मंडल जी हैं उनके पुत्र दिनेश मंडल जी हैं हमारे प्रोफेसर साहब भी कर रखा है अब इस तरह की रुचि और परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है यही हमारा सबसे मुख्य विषय है उसको जागृत रखने की जरूरत है और उस दिशा में यह एक अच्छा प्रयास यदि उमेश जी ने हमें नहीं बुलाया जगदीश जी ने नहीं बुलाया ये दवा खाना वाले हैं जो 2400 घंटा दवा देते हैं असहाय लोगों को रोगी लोगों को इन्होंने फोन किया आपको सर शाम को है चले आइएगा क्योंकि साहित्य का है ना कोई भी भाषा हो जरा मैं सुनूंगा मैथिली मुझे बहुत समझ में आती है सिर्फ मैं बोल भी देता हूँ लेकिन अकेले ले मैं बोलता सबके बीच में बोलने लगू चारों पे एक ऐसे स्त्री हो बन तो क्या बोलता है जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था हाँ दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा एक मित्र था हम बोले कि कौन कौन भाषा बोलते हो पता है मित्र है मैथिली जो है बड़ा मीठ लागी लेकिन जब मैं नौकरी में आया मेरी पदस्थापना मिथिलांचल में हुई और जब मैं इसके साथ हज बस गया इसके अंदरता तक गया तो मुझे लगा कि कितनी सही बात बोला था सही में कोई अन्य भाषा हम भोजपुरी भाषा से आते हैं जो कटाक्ष करते हैं कि लाठी मारने बराबर भाषा है यदि भी अगर सही ढंग से भोजपुरी की बोली जाए तो आपको उसमें भी विनम्रता दिखेगी लेकिन अल्लाह लोग भोजपुरी बोलेंगे तो लाठी मार भाषा कहा जाएगा आई तीन बार अनमोल भिखारी आई बैठी पीही पानी है भोजपुरी का बात आई बैठी कोई अन्य व्यक्ति जो मैथिली भाषी ना हो वो
लठमार भाषा नहीं कहता, कहता बड़ी मुलायम है, बहुत मधुर है, मीठा है। मैथिली भाषा के संबंध में इस तरह की बातें बाहर भी जाता, दिल्ली में चले जाइए, ये लोग मुझसे कहते कहाँ के हो, मिथिलांचल के हो, वो लोग पहले भी प्रश्न कर देते हैं। और सबसे हमारे बहुत मित्र यहाँ है, हम लोग भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं। अगर मैं दिल्ली में हूँ और भोजपुरी